क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म ये बताता है कि अगर आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है और मान लो वो सब्सटेंस क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया, तो मैग्नेटाइज हुआ वो क्या वैल्यू बताती है, उसकी आई की वैल्यू बताती है। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है। जितना हाई टेम्परेचर होगा सब्सटेंस उतना ही कम मैग्नेटिक होगा, तो आई की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी का मतलब टेम्परेचर हाई तो सब्सटेंस कम मैग्नेटाइज होगा। एंड वो डिपेंड करेगा आपने कितना बी अप्लाई किया उसको मैग्नेटाइज करने के लिए। आपने जितना एक्सटर्नल बी ज्यादा अप्लाई किया उतना ही सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। लेकिन बी आपने कैसे अप्लाई किया, बाय अप्लाइंग एच, तो बी और एच तो प्रोपोर्शनल है, तो बी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, एच। तो आई सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ वो एच पे डिपेंड करेगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर आई और एच इस तरफ ले जाओ, आई और एच क्या होता है, काई, काई ससेप्टिबिलिटी। तो काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, काई क्या बताता है, काई भी तो यही बताता है कि सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज है या उसका नेचर क्या है। जितना काई ज्यादा होगा वो फेरो होगा, उतना ही वो मैग्नेटाइज ज्यादा होगा। तो यानी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दें किसी भी सब्सटेंस का तो काई उसका कम हो जाता है, वो कम मैग्नेटिक हो जाता है, और अगर टेम्परेचर कम रखें तो काय उसका ज्यादा रहता है, सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटिक रहता है। क्लियर है यहां तक? तो ये है क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म और सी फॉर कॉन्स्टेंट।